रासायनिक संयोजन के जो पांच नियम थे वो रासायनिक संयोजन के पांच नियम अपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नया जो टॉपिक है वो है हमारे पास डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो पहले आपने कहा था कि जो पदार्थ है वो पदार्थ आपने कहा था कि जो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, या उसके लिए जो शब्द अपने काम में ले रहे थे कण शब्द काम में लिया जा रहा था। तो अभी तक डाल्टन ने सबसे पहले अपने बात करते हैं कि जो परमाणु शब्द जो अपने को दिया था वो परमाणु शब्द अपने को किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। तो अपने कह सकते हैं कि जो परमाणु शब्द का जो जनक है वो परमाणु शब्द का जो जनक किसे कहा जा सकता है अपने पास, ठीक है। तो परमाणु शब्द का जनक अपने किसे कहा जा सकता है, डाल्टन को कहा जा सकता है। सिंपल सी बात अपने पास, ठीक है। यहाँ पर डाल्टन ने अपने को परमाणु शब्द के अपने पास कर सकते हैं जनक इसने कहा था, और ये कहा था कि इसमें जनक परमाणु शब्द का जनक इसे कैसे माना गया है। इन्होंने कहा था कि जो द्रव्य है, द्रव्य जो पदार्थ है, इन्होंने क्या कहा कि द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ठीक है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तथा यह कण अविभाज्य होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा था कि जो द्रव्य है या जो पदार्थ है वो किसके मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो कण है वो कण क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। तो इन अविभाज्य जो कण थे, इन अविभाज्य कणों को जो डाल्टन ने जो नाम दिया वो क्या नाम दिया, एटोमोस नाम दिया, ठीक है। इन अविभाज्य कणों को डाल्टन ने जो नाम दिया वो डाल्टन ने इनको क्या नाम दिया, एटोमोस, ठीक है। तो एटोमोस शब्द डाल्टन ने कहा था, ये अविभाज्य, और इन एटोमोस अपने पास कैसा शब्द है, एक ग्रीक शब्द है, और इसका अगर अर्थ देखा जाए तो इसका जो अर्थ निकलता है वो अर्थ क्या निकलता है हमारे पास, अविभाज्य कण। तो डाल्टन ने अपने को शब्द दिया था, क्या दिया था, इन एटोमोस शब्द दिया था, ठीक है। उसने कहा था कि जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये कण क्या होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं। तो इन अविभाज्य कणों को डाल्टन ने शब्द क्या दिया अपने को, एटोमोस, और एटोमोस शब्द कैसा है, ग्रीक शब्द है। इस ग्रीक शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ क्या निकलता है हमारे पास, अविभाज्य कण। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो एटम शब्द की जो उत्पत्ति है, वो एटम शब्द की उत्पत्ति अपने पास किससे मानी जाती है, डाल्टन से ही मानी जाती है। डाल्टन ने अपनी एक जो पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का जो नाम था रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, ठीक है। तो ये इसकी पुस्तक का जो नाम था, जो डाल्टन के द्वारा लिखित पुस्तक है, और इस डाल्टन के द्वारा लिखी पुस्तक के अंदर ही इन्होंने जो परमाणुवाद सिद्धांत है, इस परमाणुवाद सिद्धांत का इन्होंने जिक्र किया था, ठीक है। तो इसके द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है हमारे पास, रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने कुछ एक अपने पास कहे कि जो हमारे पास द्रव्य है उस द्रव्य के बारे में कुछ एक इन्होंने बातें कही। वो बातें कौन कौन सी थी, या आपने कह सकते हैं कि जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है, इस परमाणुवाद सिद्धांत के कुछ एक अपने यहाँ पर शब्दों की बात करते हैं, या इन्होंने इस परमाणुवाद सिद्धांत में अपने को क्या क्या कहा था उनकी बात की जाए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो द्रव्य है वह अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। पहली चीज इसने कही थी कि द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मतलब जो द्रव्य है वो किससे मिलकर बना है, अविभाज्य परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अर्थात अपने कह सकते हैं कि जो द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई है, द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई, वो द्रव्य की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो सकती है हमारे पास, परमाणु हो सकती है,
ठीक है, तो इसको आगे और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकता। किसी द्रव्य की छोटी से जो छोटी इकाई है वो कौन सी है, परमाणु है, और डाल्टन के अनुसार परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आज अपने को पता है कि परमाणु न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि जो परमाणविक कण है इनसे मिलकर बना हुआ है, लेकिन डाल्टन को इन बातों का ज्ञान नहीं था। उन्होंने ये कहा था कि जो द्रव्य है वो द्रव्य किससे मिलकर बना हुआ है, द्रव्य की जो सूक्ष्मतम इकाई इन्होंने क्या बताई थी अपने को, परमाणु बताई थी। ठीक है, तो परमाणु को इन्होंने द्रव्य की सबसे छोटी इकाई बताई थी। और इन्होंने दूसरी जो बात की कि कोई तत्व है, ठीक है, किसी तत्व या आपने कह सकते हैं कि कोई भी जो तत्व है उसके अंदर अपने पास करते हैं सभी परमाणु एक समान होते हैं। किसी तत्व में सभी परमाणु एक समान होते हैं। ठीक है, पदार्थ का जो सूक्ष्मतम रूप था, शुद्धतम जो रूप था, ठीक है, अगर आपने पूछे जाए पदार्थ का शुद्धतम रूप पूछा जाए तो वो कौन सा है, तत्व है। इसे क्या कहा जाता है, पदार्थ का शुद्धतम रूप कहा जाता है। तो आपने कहा किसी तत्व में सभी परमाणु क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक, अब एक समान किसके आधार पर, द्रव्यमान व अन्य गुणधर्मों में किसके लिए एक समान होते हैं वो, तो यहाँ पर इसमें जो मेन बात आती है किन चीज़ों में समान होते हैं वो, द्रव्यमान व अन्य सभी गुणधर्मों में। तो किसी एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, एक समान होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान और जो अन्य सभी गुणधर्म हैं वो कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। और अगर तत्व भिन्न भिन्न हैं तो, अगर दूसरी बात इसमें कहें, विभिन्न तत्वों में परमाणु द्रव्यमान व अन्य गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर अपने ये कह सकते हैं कि एक समान परमाणुओं से जो मिलकर बना हुआ जो तत्व है, एक समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए तत्वों में जो सभी गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, और भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना हुआ जो तत्व है उनके अंदर जो गुणधर्म है वो कैसे होते हैं, उनके भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अपने बात करें दो भिन्न तत्वों की, अगर अपने बात करें, जैसे अगर यहाँ पर उदाहरण लिया जाए कि समान तत्वों का उदाहरण अगर लेता हूँ, समान तत्वों का उदाहरण आ गया मेरे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी ऑक्सीजन परमाणु हैं उन सभी का जो द्रव्यमान है सभी का एक जैसा होगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक अणु है, या अपने तत्व बात कर रहे हैं, इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु हैं इन ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या होगा, एक जैसा होगा। इनके जो गुणधर्म है वो भी गुणधर्म क्या देखने को मिलेंगे अपने को, एक जैसे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस ऑक्सीजन की तुलना में किसके साथ करता हूँ, अगर हाइड्रोजन के साथ की जाए तो ऑक्सीजन में कौन सा परमाणु है, ऑक्सीजन, जिन ऑक्सीजन परमाणुओं का सभी का जो द्रव्यमान क्या है, एक जैसा होगा। लेकिन ऑक्सीजन की तुलना अगर हाइड्रोजन से की जाए तो हाइड्रोजन जो है भिन्न परमाणु हो गया, भिन्न तत्व हो गया। तो अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो भिन्न परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, किससे, हाइड्रोजन से। इन हाइड्रोजन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान से क्या है, अलग है, भिन्न है, उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दूसरी बात कही इसने, फिर अपने कहा कि जो एक से अधिक जो तत्व हैं के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक का निर्माण कैसे होता है, तीसरी इसमें जो मेन बात कही गई, तीसरी बात हमारे पास क्या है इसकी, कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु, एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर अपने बात करें कि जो एक से अधिक तत्वों के जो परमाणु है एक निश्चित अनुपात में संयोग कर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर अपने बात कर चुके हैं कि अगर आप कार्बन
उदाहरण के रूप में देखता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन की बात अगर आपने करते हो तो एक से अधिक परमाणु हो गए, तो वो जब कार्बन और ऑक्सीजन जब जुड़ेंगे तो वो किस अनुपात में जुड़ेंगे, एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। अपने पता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर जब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का जो अनुपात है, वो द्रव्यमान अनुपात हमारे पास क्या रहता है, 3:8। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का जो अनुपात है, वो द्रव्यमानों का जो अनुपात अपने को जो देखने को मिलता है वो कितना मिलता है, अपने को 3:8 मिलता है। तो ये जो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की जो तीसरी मेन पॉइंट बात थी वो क्या थी, कि एक से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसको अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उदाहरण से समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं यहाँ पर किसका ले सकता हूँ, जल का उदाहरण भी ले सकता, तो जल के अंदर क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भिन्न भिन्न परमाणु जब जुड़ रहे हैं तो इनका जो अनुपात अपने सामने जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1:8 के अंदर ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु 1:8 के अंदर जुड़ते हैं, एक निश्चित अनुपात है यहाँ पर कि जब भी जल के अणु का जो निर्माण होगा तो जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो अनुपात है वो अनुपात क्या होते हैं हमारे पास, 1:8 ही अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर अपने बात करते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अपने कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, मेन बात क्या है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उस रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु है वो क्या होंगे, पुनर्व्यवस्थित होंगे, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो अपने कह सकते हैं अर्थात परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में सिर्फ परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, रीअरेंज होते हैं, इन्हें बनाया या इन्हें नष्ट कभी भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अपने बात करें कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया का मैं एक उदाहरण लेता हूं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या रहे, पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं। या अपने और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ पर कि जो सिल्वर नाइट्रेट है वो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर देखिए परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो रहे हैं, पहले सिल्वर के साथ कौन जुड़ा हुआ था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो सिल्वर के साथ कौन जुड़ गया, क्लोरीन का योग हो गया। इसी तरह से पहले सोडियम के साथ किसका योग हो रहा था, क्लोरीन का योग हो रहा था, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम के साथ कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ गए। तो यहाँ पर अपने इस उदाहरण में देखा गया कि जो परमाणु है वो परमाणु क्या हो रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है, कोई नया परमाणु उत्पन्न नहीं हुआ। देखिए जो अभिकारक थे वही परमाणु उत्पाद में है, कि यहां पर देखें सिल्वर नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम और क्लोरीन है, तो उत्पाद में भी सिल्वर क्लोरीन सोडियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है, कोई नया परमाणु यहां पर उत्पन्न अपने नहीं किया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सिर्फ क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इन परमाणुओं को रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो ये जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत हमारे पास आ गया कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत था। ठीक है, अब अपने पास यहां पर बात करें कि ये तो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आ गया, ठीक है, जिसके अंदर अपने कुछ एक मेन पॉइंट्स इसके देखे। अब आज के समय में अगर डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत को लिया जाए तो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में कुछ कमियां है, वो कमियां क्या क्या है उनकी बात अगर करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में नहीं करके थोड़ी सी बात करेंगे कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां क्या है। उसने क्या कहा था कि पहली बात उसने कही थी कि एक ही प्रकार के तत्वों में
जो सभी परमाणु हैं वो द्रव्यमान की दृष्टि से क्या होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं किसकी, समस्थानिक की बात करूं, तो समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे अपने हाइड्रोजन की अगर समस्थानिक देखे जाए तो हाइड्रोजन के समस्थानिक क्या होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये अपने पास हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। इनमें से अगर द्रव्यमान देखा जाए, प्रोटियम का द्रव्यमान कितना है, एक, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान दो और ट्राइटियम का द्रव्यमान कितना है, तीन। तो इनके जो द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या तीनों की क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या है, एक ही तत्व है, हाइड्रोजन के ही तत्व हैं। तो यहाँ पर जो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर जिन्होंने बात कही थी कि एक ही तत्व से मिलकर बने हुए एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो द्रव्यमान व अन्य भौतिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, समान होते हैं, तो ये जो बात है वो बात इसकी क्या होती है, यहाँ पर गलत साबित होती है। समस्थानिक किसे कहा जाता है, ठीक है, इसकी परिभाषा आगे अपने पास आएगी समस्थानिकों के बारे में। दूसरी बात मैं यहां पर करता हूं, वो बात आती है अपने पास संभारिक। संभारिकों की अगर बात की जाए तो डाल्टन ने दूसरी बात क्या कही थी इसी लाइन के अंदर कि भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है वो द्रव्यमान व अन्य भौतिक गुणधर्मों में क्या दर्शाते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन समभारिकों की अगर अपने बात की जाए, समभारिकों में मैं बात करता हूँ यहाँ पर दो तत्वों की बात कर लेता हूँ, आर्गन की बात कर लेता हूँ और पोटेशियम की बात कर लेता हूँ। तो आर्गन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 39, और पोटेशियम का द्रव्यमान भी कितना होता है, 39 होता है। तो दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान है। तो यहाँ पर दो भिन्न भिन्न परमाणु हैं, लेकिन दो भिन्न भिन्न परमाणु होते हुए भी द्रव्यमान की दृष्टि से दोनों क्या है, एक समान है। तो इसका मतलब जब डाल्टन ने जो परमाणुवाद सिद्धांत जो दिया था उस समय तक समस्थानिक और संभारिक जो शब्द थे या संभारिकों की उस समय तक खोज नहीं हुई थी, जिसके कारण से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत है वो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत क्या साबित होता है, गलत साबित होता है। तीसरी बात अगर कही जाए, उसने कहा था कि जो परमाणु है वो क्या होता है, अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। लेकिन आज अपने को पता है कि परमाणु को अपने विभाजित कर सकते हैं किसके अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किसमें, इलेक्ट्रॉन, अन्य कण भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर अपने यहाँ पर तीन कणों की बात की जाती है, कौन कौन से की, प्रोटॉन की बात की जाती है, न्यूट्रॉन की बात की जाती है और इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, ठीक है। तो डाल्टन की ये बात भी गलत साबित होती है कि जो परमाणु होता है वो परमाणु क्या होता है, अविभाजित होता है, ठीक है। अब अपने बात करें कि जो डाल्टन है वो रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कमी की अगर बात करें कि जो डाल्टन है वो रासायनिक संयोजन के नियमों की क्या करता है, व्याख्या करता है। नेक्स्ट अपने इसमें कमी देख सकते हैं कि जो रासायनिक संयोजन के जो नियम थे उन नियमों की डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत क्या करता है, व्याख्या करता है। लेकिन ये बात भी गलत साबित होती है, जो रासायनिक संयोजन में एक जो नियम था हमारे पास, गैलुसे का गैसीय आयतनों का जो नियम, कौन सा नियम हमारे पास था, गैलुसे का गैसीय आयतनों का नियम, इस नियम की व्याख्या डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब जो पांच नियम दिए गए थे उन पांच नियमों में से जो एक नियम हमारे पास आ रहा है, कौन सा, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का जो नियम है, वो नियम की व्याख्या हमारे पास जो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है, वो परमाणुवाद सिद्धांत इस नियम की व्याख्या नहीं कर पाता है, ठीक है। फिर अगर अपने बात करें कि उसने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं, उन्हें न तो बनाया जा सकता है और न ही रासायनिक अभिक्रिया में उन्हें क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर जो अंतिम लाइन अपने को बताई गई थी, लेकिन जो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत है वो परमाणुओं के संयोजन की व्याख्या नहीं करता, ठीक है। उसने ये तो कह दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु है वो परमाणु क्या होते हैं,
पुनर्व्यवस्थित होते हैं और पुनर्व्यवस्थित किए जा सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। उन परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता। लेकिन डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत यह नहीं बता पाया था अपने को कि जो वो परमाणु है वो संयोजित कैसे होता है, रासायनिक अभिक्रिया में वो संयोग कैसे करते हैं, इस चीज़ की व्याख्या वो नहीं कर पाया था। ठीक है, जैसे अपने बात करें कि मैंने जो बनाया था यहाँ पर, जैसे अपने बात की थी कि सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का जो सूत्र AgNO3 जो लिखा था वो कहता है इसको इस प्रकार से क्यों नहीं लिखा, ठीक है, या कोई और सूत्र क्यों नहीं बना। इन चीज़ों की जो व्याख्या थी वो व्याख्या डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर नहीं की गई थी। तो इसका मतलब डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत है, ठीक है, परमाणु शब्द की उत्पत्ति उसने दे दी, कुछ उसने अपने जो रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति में अपने कह सकते हैं रसायन विज्ञान के अंदर एक नई जान डाल दी उसने, जिसके अंदर परमाणु की खोज करके, लेकिन उसके सिद्धांत की जो उसने अपनी पुस्तक में जो बातें लिखी गई थी उन बातों में कुछ कमियां रही जिनको आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने उनको सही साबित किया, क्योंकि उस समय तक रसायन विज्ञान के अंदर ज़्यादा खोजें नहीं हुई थी। इसके कारण से डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आगे आने वाले समय में या आज के समय में सही साबित नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत था और इस डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत की कुछ कमियां थी। नेक्स्ट लेक्चर में अपने यहां पर कि परमाणु भार क्या होते हैं, तो परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, इनके ऊपर अपने बातें करेंगे।